तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ सारे के सारे बढ़िया ही होंगे। आप सबका वापस स्वागत है हमारे चैनल पे, जिसका नाम है राकेश नेगीस फ्री ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। आप देख रहे होंगे, आप अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं, जो बच्चे हैं मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हैं 10वीं और 12वीं के, उनको आज मैं बताऊंगा कि कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। वेबसाइट पे जाके भी दिखाऊंगा आपको कहाँ पे जाना है और कहाँ पे आपको पैसे सबमिट कराने हैं, ताकि आपके साथ कोई भी फ्रॉड ना हो और आपका सारा काम अच्छे से हो जाए। ठीक है सर, तो देख लेते हैं। पहले हम नोटिफिकेशन पढ़ लेते हैं, जो ये पहले 10th की नोटिफिकेशन है, फिर हम 12th की नोटिफिकेशन पे जाएंगे। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं जो प्रोसेस है ना, वो आपको पता है क्या करना है। आपको पहले वेरिफिकेशन के लिए करना है, फिर वेरिफिकेशन के बाद डेट्स आएंगी। जिसने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करा होगा, वही खाली फोटोकॉपी मंगा सकता है अपने कॉपीज़ की। ठीक है, देन आपके मार्क्स रिवैल्यू करे जाएंगे। और आपका इसमें बताया गया है कि आपके अगर मार्क्स कम होते हैं तो कम मार्क्स भी आपके काट ले जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये दिया गया है, देखो क्या लिखा है इसमें। रिक्वेस्ट फॉर ऑल द प्रोसेस विल बी एक्सेप्टेड ओनली थ्रू ऑनलाइन। ठीक है, वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। पेमेंट कैसे हो सकती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। इनकम्प्लीट ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी समरली रिजेक्टेड, मतलब रिजेक्ट हो जाएगी। और एनी कॉरस्पॉन्डेंस विद द कैंडिडेट, ओनली वन एप्लीकेशन पर कैंडिडेट, एक एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बोर्ड विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी लॉस इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय कैंडिडेट। और इसमें देखिए क्या लिखा है कि अगर हमारे मार्क्स डिक्रीज हो गए तो हमारा क्या होगा, तब भी हमें कंसिडर करा जाएगा। मतलब आपके मार्क्स 90 हैं और दो मार्क्स कट के 88 हो रहे हैं, तो आपके 88 कंसिडर करे जाएंगे। तो प्लीज़, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तभी इवेल्यूएशन के लिए, रीचेकिंग के लिए, वेरीफिकेशन के लिए डालना, वरना प्लीज़ मत डालना। ठीक है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए 500 पर सब्जेक्ट रहेंगे, ये मैं 10th की बात कर रहा हूँ। और रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द फॉलोइंग मैनर। द रिजल्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स विल बी अपलोडेड इन CBSE वेबसाइट। इन केस ऑफ चेंज इन मार्क्स, अ लेटर विल ऑल्सो बी सेंड टू द एप्लीकेशन बाय स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट या ईमेल आ जाएगा आपको। ठीक है, वेयर देर इज नो चेंज ऑफ मार्क्स, नो लेटर विल बी सेंड बाय CBSE, हाउएवर इट विल बी अवेलेबल ऑन वेबसाइट। ठीक है, तो अगर कोई भी चेंज नहीं होगा तो आपको कोई भी मैसेज वगैरह नहीं आएगा, पर अगर कोई चेंज होगा तो आपको बता दिया जाएगा, इंटीमेट कर दिया जाएगा आपको। एप्लीकेशन आर एडवाइज टू बी विजिट CBSE's वेबसाइट फॉर स्टेटस ऑफ वेरिफिकेशन प्रोग्रेस। इसका मतलब क्या है, आप देख सकते हैं कि आपकी वेरिफिकेशन कहाँ तक पहुँची। ये देखिए, पर सब्जेक्ट 500 रुपये लगेंगे फोटोकॉपी के लिए। ठीक है, अभी मैं आज की डेट्स भी डिस्कस करूँगा। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर वेरिफिकेशन, जिसने वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कराया। देखिए, पहले आपसे 500 रुपये उसमें लिए जाएंगे, फिर 500 रुपये इसमें लिए जाएंगे। तो देख लीजिए कितना मतलब CBSE खा रही है। एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑल्सो कम्प्लीट विल बी समली रिजेक्टेड एंड फीस डिपोजिट शैल बी फॉरफिटेड विदाउट एनी फर्दर रेफरेंस। ये देखिए, एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन द बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट एंड ऑल्सो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, अगर आपने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन दी तो आपके 500 रुपये या जो पहले के पैसे हैं वो भी फॉरफिट कर लिए जाएंगे, मतलब जब्त कर लिए जाएंगे, कुछ नहीं, विदाउट एनी आंसर्स। इफ द कैंडिडेट डिजायर टू चैलेंज द मार्क्स अवॉर्डेड टू एनी क्वेश्चन, देन ही सी विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन एज पर रीशेड्यूल, एज पर शेड्यूल रिवेल्यूशन ऑफ मार्क्स। ठीक है, फोटोकॉपी ऑफ एवेल्युएटेड आंसर बुक विल बी प्रोवाइडेड इन द कैंडिडेट्स लॉगिन अकाउंट। आपको लॉगिन अकाउंट है आपका, आफ्टर ब्लॉकिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आइडेंटिटी ऑफ द एग्जामिनेशन एग्जामिनर एंड एवरीथिंग। एप्लीकेंट्स आर प्रोवाइडेड स्कैंड कॉपी ऑफ आंसर बुक इन देयर लॉगिन अकाउंट। जो लॉगिन अकाउंट है उसमें आपको आएगा, अभी कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा आपको। रिवेल्युएशन ऑफ एवेल्युएटेड आंसर बुक, देखिए मान लीजिए आपने पहले वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करा, आपने देखा आंसर क्वेश्चन आपका क्या है, टोटलिंग बिल्कुल सही है। फिर आपने, अगर आपने वेरिफिकेशन के लिए करा है तो उसके बाद क्या करा जाएगा आपके साथ, आपको करा जाएगा, मतलब आपको अप्लाई करना पड़ेगा फोटोकॉपी के लिए। और फोटोकॉपी के बाद अगर आप में उसमें कोई दिक्कत दिखती है, कोई क्वेश्चन गलत चेक हुआ है, कम मार्क्स मिला है, तो और रिवेल्यूशन के लिए करेंगे। और पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ है, पर क्वेश्चन 100 रुपीज़ है। और उसमें दे भी रखा है कौन कौन से क्वेश्चन आपको क्लेम करना है। और इसमें देखिए क्या क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि आपको रीज़न भी भरना है कि आपको क्वेश्चन चेक क्यों करवाना है। ओके, तो तीनों करने के बजाय जो भी आपका आएगा वो आपका क्या कर दिया जाएगा, इंटीमेट कर दिया जाएगा। क्लास 10th की बता रहा हूँ मैं, क्लास 12th के लिए भी सेम गाइडेंस है, बस उसके लिए थोड़ी डेट चेंज है। जो क्लास 12th का है वो आज से एप्लीकेशन शुरू हो रही है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी कैसे। ठीक है, आज से उनकी क्या हो रही है, वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स की हो रही है उनकी स्टार्ट। पर 10th की कब से, 20 से 24 जुलाई, और 24 जुलाई में भी 5 बजे तक। बच्चों ये देख लेना प्लीज़, आप 12 बजे तक सोचते हो, 5 बजे तक है। ठीक है, तो वीडियो पूरी देख रहे हैं आप। 500 पर सब्जेक्ट है फोटोकॉपी के लिए, 4 अगस्त तो 5 अगस्त, 2 दिन है खाली, वो भी 1.5 दिन आपका खाली।
ओके 500 पर आंसर बुक, इसमें 500 रुपये लगेंगे। और अप्लाइंग ऑनलाइन क्या करना पड़ेगा आपको, रिवेल्यूशन के लिए 10 to 11 मतलब एक दिन है आपके पास खाली, और डेढ़ दिन मान लीजिए 100 पर क्वेश्चन। ठीक है, तो इसकी यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम क्या देखते हैं, अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो भी है इसमें सेम गाइडेंस दी हुई है, सेम जो भी इंस्ट्रक्शंस है वो दिए हुए हैं। बस देखिए डेट्स का देखिए, ये बारी वालों के लिए है, डेट्स का देखिए प्लीज़। डेट्स देखिए आज से स्टार्ट होता है 17 से 21 तक, उसका क्या था 20 से 24 तक। ठीक है, फिर हमें फोटोकॉपी कब तक के लिए अप्लाई करनी है, 1 और 2 तारीख को फोटोकॉपी करने के लिए 1 या 2, उसमें था 500 रुपये, इसमें है 700 रुपये। ठीक है, और 6 से 7 तारीख तक प्लीज़ बच्चों ये देख लीजिएगा, 5 बजे है। ऑनलाइन प्रोसेसेस कैन बी डन ऑन हॉलीडेज टू, ये भी लिखा हुआ है, 6 से 7 है मतलब 6 तारीख से लेकर 7 तारीख तक और 5 बजे तक, बच्चों प्लीज़ ये देख लीजिएगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता आपकी कोई गलती हो। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको कौन सी वेबसाइट पर जाना है। ये देखिए मैंने पहले से खोल रखी है, ये वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, आप देख सकते हैं ये आपको दिया हुआ है, आपके सामने ऐसी कुछ वेबसाइट खुलेगी। वेबसाइट में आपको ये देख सकते हैं आपने क्या है, कहाँ गया, ये रहा शेड्यूल फॉर वेरिफिकेशन। ठीक है, ये दे रखा है आपको क्लास ट्वेल्थ पर आप क्लिक करेंगे, ये मैंने वो कर दिया है गलती से डाउनलोड, ये था सॉरी ऊपर ही मिल जाएगा आपको, मैंने गलती से उसमें कर दिया। इसमें लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन हेयर, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन हेयर पे क्लिक करना है। और फिर ये देखिए आप 12th के हैं 10th के हैं, ये साफ साफ दिया हुआ है। ठीक है, और आप यहाँ से चेक फी स्टेटस भी चेक कर सकते हैं, मान लीजिए बीच में रुक गई, एप्लीकेशन स्टेटस पहले वेरिफिकेशन के लिए देना है। अभी देखो 12th के फॉर्म खुले हैं, तो 12th पे हम क्लिक करते हैं, आपको क्या क्या पुट करना है, रोल नंबर पुट करना है, 5 डिजिट स्कूल नंबर पुट करना है और सेंटर नंबर पुट करना है। ठीक है, फिर आप प्रोसीड कर देंगे, फिर आपका फीस पेमेंट के लिए आएगा, आपसे मतलब पूछेगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा क्या है, आपसे ये सब पूछा जाएगा, और मतलब आपका क्या करेगा पूरा एक्सेप्ट कर लेगा। और यहीं से मतलब आप बैक देखते हैं तो आपका यहीं पर एप्लीकेशन स्टेटस भी आ जाएगा, जहां आपको वेरिफिकेशन का दिखाई दे जाएगा, और हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है आपको। ठीक है, हेल्पलाइन में आप कहां से कांटेक्ट कर सकते हैं ये भी दिया हुआ है, खुल नहीं रहा है, एक मिनट, ये देखिए दे रखा है हेल्पलाइन नंबर्स आपको दे रखे हैं, आपके सामने हेल्पलाइन नंबर भी हैं, आप देख लीजिए आपका दिल्ली ईस्ट पड़ता है दिल्ली वेस्ट पड़ता है, इसके नंबर दे रखे हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ इसलिए, बाकी आप बेंगलुरु भोपाल भुवनेश्वर जहां से भी हैं देख लीजिए, सबके नंबर गिवन है। ठीक है, CBSE का हेल्पलाइन नंबर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि मैंने आप सबके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे, और मैं आज की वीडियो ये ख़त्म करता हूँ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं हमसे जुड़े रहने के लिए। बाकी बाय बाय, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिनको रिवेल्यूशन के लिए या फिर वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है। तो थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।